यहाँ जो आया है वो जाएगा जरूर। ब्रह्मा जी की लिखी कोई मेट नहीं सकता। क्यों नहीं मेट सकता आइए बताएं। आज के कम से कम 40 साल पहले यहाँ बहुत गरीबी थी, लोगों को अच्छा भोजन नहीं मिलता था, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे। एक खेत में ढोकर ढोकरी उनको कर तीन व्यक्ति काम करते रहे और बराबर दुखारी जेठ की राय बेचारे पसीना से तर बतर गेहूं काटे। इधर से भोले बाबा पार्वती दुनिया देखने निकल पड़ी। भोले बाबा ने देखा वे तो चले गए, पार्वती भी देखो नहीं क्योंकि माताओं बहनों के अंदर बहुत दया होती है। परीक्षित जी गाँव तो जे गाँव सजी धजी जाए रही हो टेंटिंग पेंटिंग करे और रत्ता में ना कोई रोत मिली आई चाहे जे भाई जंती हो चाहे कतई ना जंती हो चिपट के रो लगे हाय बच्ची। ऐसे ही पार्वती मैया बोली है भोले बाबा जाओ। भोले बाबा बोले क्यों? बोले जब दुनिया देखने आया तो दुनिया में का देख रहे? बोले क्यों? बोले जे तीनों देखो कितने गरीब है, पहले इन्हें तीनों पैसा वालों कर दो तब चलो। बोले बाबा बोले जो तू देख रही हो जे अपने किस्मत में लिखा के लाया। पार्वती बोली सो कैसे, हम से काम है हवाई जहाज उड़ाए हैं। बोले बाबा बोले जा उड़ाया हो जाए, ब्रह्मा जी की लिखी कोई नहीं मिट सकता है, हम भी नहीं तुम भी नहीं। पार्वती मैया बोली सो कैसे। बोले बाबा बोले जा वृक्ष के नीचे बैठे तुमने पैसा वालों कर आओ। पार्वती माँ सबसे पहले टोकरी के पास पहुंची। पार्वती बोली अम्मा टोकरी कर आए से हाथ लगाए बैठी काती का बिटिया रत्ता भूल गई। बोली ना 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 बोले तो। पार्वती बोली हम तो तुम्हारी गरीबी नहीं देखी गई ता से चली आई। डोकरी का लगे सो कौन तुम माया बतिया हैं जो गरीबी ना देखी गई चली आई। बोली नहीं मैं भोले बाबा के घर से आया हूं, आप जो मांगो वही देंगे। डोकरी का लगे हां जो मांगे सोई दी। बोली हां जो मांगो सोई दी। डोकरी का लगे पार्वती पार्वती हमें 16 साल की लड़की नहीं बनाए दे। बोली ये वो मस्त और टोकरी 16 साल की लड़की नहीं बनी मोर नकसा में चूर भई जाए। अब टोकर ने देखो टोकरी को नकसा टोकर तुम्हार जरे भरे जाए। टोकर कहे जा तू करिया हमारे घर देख खतरनाक और टोकर बड़ी गुस्सा। पार्वती बोली दादाजी तुम मांग लो। टोकर कहे लगे जहां से आई वही चली जाइयो। बोली क्यों? बोली जहां से आई भाई चली जाओ। बोले क्यों? बोले दो रोटी को सारा तो बहुत तूने 16 साल की लड़की नहीं बना दो बा हमारे घर देख तब ना ए चली जाओ यहां से। पार्वती मैया बोली मेरी बात सुनो।